ही आते थे, सिर्फ 15.5 लाख परिवार हरियाणा के आते थे। हमने कहा नहीं, 1,80,000 से नीचे आज लगभग 28 लाख परिवार है, 15 प्रधानमंत्री जी ने लिए, बाकी 13 लाख परिवारों की जिम्मेवारी ये हमारी है, हम हरियाणा सरकार से वो पैसे देंगे, 5 लाख रुपए तक का बीमा सबका कराएंगे। हमने 13 लाख परिवार वो भी जोड़ दिए, धीरे धीरे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी 3 लाख तक का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये आगे बढ़ेगा। कोई गरीब परिवार उसका फॉर्म जरूर भरवा दीजिए, केवल साइन करके देने का काम ये आपका है, आप करेंगे। हमने शिक्षा में बहुत काम किया, लेकिन आज केवल एक विषय रखता हूं, वो क्या है कि हरियाणा की जनता में अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं, गरीब भी हैं, मध्य वर्गीय भी हैं और उच्च वर्गीय परिवार भी है, यानी आय के हिसाब से। हमने तय किया है कि जो गरीब परिवार है, जिसको अंत्योदय परिवार कहते हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 रुपए की राशि के नीचे वाले सब परिवार, इनको सब सुविधाएं अब आकर के दफ्तर में नहीं लेनी पड़ेगी, अब इनको दरखास्त नहीं देनी पड़ेगी, किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं टटोलने पड़ेंगे, इनको आना नहीं पड़ेगा, आवेदन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जैसा कहावत तो है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, मैं घोषणा करता हूं कि अब सरकारी कुआं हमारे जो गरीब प्यासे के घर में जाएगा, ये कहावत उल्टी हो जाएगी। जैसा भी आपने देखा, यहां तो केवल कुछ प्रतिनिधि बुलाए 25-30, सब जिलों में सैकड़ों संख्या में अब ये राशन के कार्ड, पीला कार्ड ढूंढते फिरते हैं लोग, जो जिनको नहीं मिलता, चक्कर काट के बनता नहीं था। हमने कहा कि नहीं, अब आपको आने की जरूरत नहीं है, जो भी 1,80,000 से नीचे का व्यक्ति परिवार की आय का होगा, उसके घर में बैठे हुए पीला कार्ड पहुंचेगा, कोई अप्लाई नहीं करना, किसी को अप्लाई नहीं करना। जो बुजुर्ग 60 साल का हमारे बुजुर्ग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 60 साल का होते ही 1 महीना पहले व्यक्ति हमारा जाएगा कि आप अगले महीने 60 साल के हो रहे हैं, इस कागज पर साइन कर दीजिए, केवल उसका कंसेंट फॉर्म लेना है, अगले महीने उसकी पेंशन उसके खाते में जानी शुरू हो जाएगी, धक्के नहीं खाने पड़े। जो बेरोजगार उनके लिए हमने पहचान करके मेले लगवाए और मेलों को उनको बुलवाया है, कोई क्या काम कर सकते हो, जो भी कोई आदमी काम कहता है, मैं काम अपना दुकान बना सकता हूँ, मैं कहीं घर के अंदर अपने छोटा मोटा उद्योग शुरू कर सकता हूँ, मैं नाई का काम कर सकता हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर, कोई लड़की हमारी बहन कहती है मैं चला सकती हूँ, किराना की दुकान बना सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, दूध बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी आय 1 लाख से नीचे है, तो उसको 1,80,000 तक कैसे करना, ये जिम्मेवारी हमारी है।